हेलो गाइस, तो हमारे इस वीडियो का टॉपिक है ये जीजी प्लांट। अभी जो आप देख रहे हैं इसकी लीव्स बिल्कुल ग्रीन है और नीचे से आप देख रहे हैं धीरे धीरे रिटर्न हो रही है ना, थोड़ी सी इसकी टोन चेंज हो रही है। तो एक्चुअली ये ब्लैक जीजी प्लांट है। तो अभी अभी ये नया प्लांट इसका ग्रो हुआ है। तो हुआ ये था, ये है मदर प्लांट, ये मदर प्लांट है जीजी का। और ये काफ़ी पुराना था लेकिन इस पर ठंड में ना इसकी पत्तियाँ बिल्कुल मुरझा गई थी, तो मैंने पत्तियों से भी प्रोपोगेट कर लिया था इसे। तो पत्तियों से भी ये हो जाता है लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। और फिर जब ये बिल्कुल सूखने लगी ना इसकी पत्तियाँ, मतलब कि एक एक करके, तो मुझे लगा कि ये प्लांट अब नहीं बचेगा, तो मैंने इसे कट ऑफ कर दिया यहाँ से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ना, ऐसे था जीजी प्लांट, काफ़ी बड़ा था और ब्लैक कलर का था। तो मैंने जब यहाँ से कट किया तो उसके मतलब कि अराउंड 15-20 दिन के बाद मैंने नोटिस किया कि यहाँ से कुछ साइड से निकल रहा है। तो मुझे वैसे आइडिया था कि यहाँ से इसकी स्टेम नहीं आएगी, अगर आएगा प्लांट तो वो साइड से आएगा। तो क्योंकि ये राइजोम से होते हैं ये वाले प्लांट, नीचे इनके राइजोम होता है, तो मतलब कि एक स्टेम ही होती है, वही इनकी रूटिंग को डेवलप करती हैं, वहीं से ये पानी वगैरह सारा लेते हैं। और वैसे कोई प्रॉपर इसकी रूट्स नहीं होती हैं, तो वो भी मुझे तब पता चला जब मैंने इसको रिपोर्ट करना चाहा। जब ये प्लांट ख़राब होने लग गया था तो मैंने इसे रिपोर्टिंग की, फिर मुझे लगा कि मैं इसे लीव से प्रोपोगेट कर लेती हूँ, ग्रो कर लेती हूँ कि एटलीस्ट ये प्लांट मेरे गार्डन में बना रहे, चाहे धीरे धीरे आए इसकी ग्रोथ। तो वो भी सक्सेस रही है उसमें भी, लीफ में भी। तो फिर ये देखिए, आप सोचोगे क्या है, ये देखिए इस प्लांट को अगर हम हिला रहे हैं तो ये वाला प्लांट हिल रहा है। नीचे से इनकी रूटिंग सेम है, वही राइजोम हॉरिजॉन्टली वो बड़ा और इस साइड से ये प्लांट ग्रो हो गया। तो कोई भी अगर आपका प्लांट, जब हमें आइडिया हो जाता है कि ये प्लांट अब नहीं बचेगा, इस प्लांट में ये प्रॉब्लम आ गई है, ये नहीं सरवाइव कर पाएगा, तो जो कटिंग से प्लांट लग सकते हैं उनकी आप कटिंग्स लगा लीजिए। क्योंकि कटिंग रूटिंग उसकी डेवलप हो जाती है, लेकिन कई बार प्लांट को एज ए मतलब कि उसी नई टहनियाँ निकलें, वो पत्तियाँ निकलें, इतनी स्ट्रेंथ प्लांट में नहीं रहती। सेम इन केस कि अगर आपको लगे कि ऐसे जो प्लांट्स होते हैं कि इनमें अब नहीं, मुझे बिल्कुल पता चल गया था कि ऊपर से सूखने लगी वो, जैसे ये पार्ट है काफ़ी धीरे धीरे सूखता 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 बिल्कुल नीचे तक, तो यहाँ तक ये सूख गया था, तो मैंने थोड़ा सा उसके नीचे से ही उसे कट ऑफ किया। तो फिर उसने सारी एनर्जी अपनी रिवर्स लगाई, तो रिवर्स लगाने के बाद इतना प्यारा सा छोटू सा देख रहे हैं जीजी प्लांट, ये ग्रो हो गया। मतलब कि इससे क्या हुआ कि प्लांट बच गया। और वैसे भी अभी इसका सीज़न है, गर्मियों में काफ़ी ग्रोथ करता है और सर्दियों में ये प्लांट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए बचाना। तो या तो हम थोड़ा से शेड प्रोवाइड करें, इनडोर रखें, तो बच जाते हैं इजीली। ये प्लांट हुए और भी कई प्लांट होते हैं, तो ये प्लांट अब बच गया जी। तो अगर आपके भी कोई भी प्लांट के साथ ऐसा कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐसे ज़रूर ट्राई करके देखिए। जैसे कल भी मैंने बताया कि मेरा जेलिया का प्लांट नहीं सरवाइव कर पा रहा था, मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग सब करके देखी, बिकॉज़ वो गर्मी की चपेट में एक बार आ गया था, तो उसके बाद वो नहीं सरवाइव कर पाया। तो मैंने उसकी प्रॉपर उसकी कटिंग्स ले ली, जितनी भी टहनियाँ थी सारी टहनियों की मैंने उसकी कटिंग्स ले ली और उसे प्रोपोगेट किया, ग्रो किया उसे कटिंग से। तो वो अब मुझे 100% श्योरिटी है, क्योंकि अजेलिया कटिंग से काफ़ी जल्दी हो जाता है ग्रो, क्योंकि मैंने उसे पहले एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने छोटी छोटी कटिंग्स लगाई थी, वो होगी। तो अब ये काफ़ी मोटी स्टेम लगाई हैं, तो इससे मेरी एक की बजाय 4-5 प्लांट्स बन जाएंगे। तो हाँ, इतना हमें मतलब कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कुछ हर चीज़ में हमें पॉजिटिविटी देखनी चाहिए कि अगर वो प्लांट नहीं बच पाया तो इट्स ओके, हो जाता है। अगर हमारे पास इतने प्लांट्स हैं, पूरा गार्डन भरा हुआ है, उसमें एक आधे प्लांट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर हमें उसका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन देखना चाहिए। जैसे कि ये आपके सामने है, तो जीजी प्लांट को अगर आपके सूख रहे हैं तो आप उसे इस तरह से बचा सकते हैं, 100% आपका नया प्लांट ग्रो होकर निकलेगा। और अब ये बात है कि अब मैं इसे सेपरेट भी कर सकती हूँ, इसे डिवाइड कर सकती हूँ, इसको निकाल के प्लांट को, इसका राइजोम अलग, इसका अलग। तो अगर मैं दोबारा से इसको मैं लगाऊंगी ना, तो मुझे श्योरिटी है कि और प्लांट इससे निकलेंगे, बेबी प्लांट्स, अगर मैं अलग अलग इसको रिपोर्ट करके लगाऊँ तो। लेकिन अभी ये प्लांट मेरा काफ़ी छोटा है, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती,
5-10 दिन के बाद जब ये प्लांट पूरा इंडिपेंडेंट हो जाएगा तब मैं देखूँगी पूरी इसको निकाल के अलग अलग इसके राइजोम्स करके, तो फिर इसको मैं दोबारा से ग्रो करूँगी। ओके गाइस, अगर ये छोटे से बेबी जीजी प्लांट के ऊपर आपको वीडियो प्यारी लगी, अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, और हम जल्दी मिलेंगे और वीडियोस के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।